जिशा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेंसडे और सुबह के बज रहे हैं 5:15। मैं उठ गई हूँ, टुडे इज अ वर्किंग डे। और सुबह यू नो बहुत ही अच्छा मौसम था आज, लग रहा था थोड़ी देर में बारिश होगी। तो रात में मैंने ये मूंग की दाल जो है वो भिगो के रखा था, तो आज मैं इसका सुबह तड़का बनाने वाली हूँ विथ रोटी, जो कि हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। एंड यस, तो चलिए सबसे पहले किचन में लगते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो जो काम है वो करते जाएंगे। सो मैं आपके साथ हमेशा अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो, इसलिए मैं ज़्यादातर मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉर्निंग में मेरा 90% जो काम है वो ऑलमोस्ट हो जाता है, एटलीस्ट 85-90% काम हो जाता है। तो मैं मॉर्निंग में ही you know, मेरे पास कुछ रहता है सूट करने के लिए, अदरवाइज शाम का टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता, हम कहीं बाहर चले जाते हैं। सो आज मैं पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगी अपना। सो किचन में मैं लग गई हूँ मसाले की तैयारी करने के लिए, तो मैं प्याज टमाटर वगैरह निकाल रही हूँ, मसाला पीसूंगी। सुबह सुबह मुझे बहुत ही टेंशन रहता है कि कहीं you know, मिक्सी की आवाज़ से कोई उठ ना जाए, क्योंकि सुबह सुबह की नींद बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और आप नहीं चाहते हो कि किसी की नींद खराब हो। तो बहुत संभल संभल के मैं you know, मिक्सी चलाती हूँ, बट क्या करें, खाना भी बनाना है ऑन द टाइम। एंड यस, लास्ट व्लॉग में ना मैंने डेट गलती से सितंबर की जगह मई डाल दिया था, तो आई एम सो सॉरी, बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो गए थे। वो एक्चुअली मैंने सितंबर की जगह पे मई लिख दिया था, बाकी 4 सितंबर 2022 लिखना था, 2022, एंड मैंने लिख दिया था 4 मई। सो यस, यहाँ देखिए प्याज काट के मेरे आंसू बहने लगे हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। प्याज काटना इसलिए मुझे नहीं पसंद है, आँख से आंसू तो आते ही आता है, साथ ही साथ मुझे नाक में भी प्याज बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा छींकें आनी चालू हो जाती है। सो यस, कंटिन्यू करते हैं। इधर मैं लहसुन वगैरह भी छील रही हूँ, लहसुन मैंने देखा तो कुछ था ही नहीं, तो बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ ढांड के 3-4 निकाले, क्योंकि बिना लहसुन के ना करी वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती है। और मिर्ची का साइज़ भी इतना बड़ा है कि मैंने सोचा एक ही मिर्ची डालते हैं, अदरवाइज़ बहुत तीखा हो जाएगा। सो यहाँ पर सब कुछ हो गया है तैयारी, मैं मसाला पीस लूँगी, उसके बाद you know, मूंग की दाल जो है वो मैं चढ़ा दूंगी, और साथ ही साथ मैं you know, डस्टिंग वगैरह भी करती जाऊंगी। सो यही है अभी का प्लान। मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूंगी, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में, तो बहुत लोगों ने कंसर्न दिखाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। सो सारे टेस्ट वगैरह तो मेरे हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गया है, रिपोर्ट भी आ गया है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ वेट ही थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सारा कुछ थायरॉयड वगैरह जैसा था वैसा ही है, एंड सब कुछ नॉर्मल ही आया है। बस आई नीड टू यू नो रिड्यूस माई वेट बिकॉज ऑफ यू नो जॉब एंड ऑल, जो हमारी लाइफ है आजकल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गई है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों में हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली वुमेंस में। सो हमें अपने बॉडी को मूव करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम 1 घंटा वॉक वगैरह करें। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि पहले की तरह फिर से रूटीन में आ जाऊँ, देखिए क्या होता है। अभी वैसे हमारा घर जाने का भी प्लान हो रहा है, एंड देखते हैं जा पाते या नहीं जा पाते, तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो अभी यही चल रहा है लाइफ में, सब कुछ you know, बैलेंस करके चलने की कोशिश की जा रही है। सो आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कि डे टू डे लाइफ में आप लोग भी इस तरीके की स्ट्रगल you know, फील करते हो या नहीं करते हो। सो जब सुबह सुबह उठ के मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा शांति होती है 5-5:30 बजे, जिसकी वजह से ना ये मुझे बहुत ज़्यादा थेरेप्टिक लगता है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नहीं रहता है, एंड माइंड में मैं सोचती रहती हूँ आज दिन भर क्या करना है क्या नहीं, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से अकेले शांति से खाना बनाना। सो ये जो सुबह का पार्ट होता है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, अकेले अपना काम करो, सोचो, अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा गर्म पानी पियो। सो ये जो सुबह 5 से लेके 6:30 बजे तक का टाइम होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एंड आपका फेवरेट टाइम क्या है पूरे दिन में, ये भी मुझे मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। सो मैंने मूंग दाल का जो मसाला है, मतलब मूंग तड़का का जो मसाला है, वो मैंने चढ़ा दिया है। जब तक तड़का हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं फटाफट से आटा वगैरह गूंथ ले रही हूँ,
क्योंकि इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ रोटी। सो घर पे ना आजकल कोई भी पराठे वगैरह नहीं खा रहा है, तो मेरे लिए भी अच्छा है। इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पराठे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जो सादी रोटी है वो फटाफट बन जाती है, और मैं भी आजकल सादी रोटी ही प्रिफर कर रही हूँ, पराठे मैं नहीं खा रही हूँ अभी। सो अभी सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं मेरे घर पे, तो यहाँ पे रोटी की तैयारी मैं कर रही हूँ। आटा लगा के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। आटा को अगर आप थोड़ी देर भी रेस्ट करने दो ना, तो रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी तो आटा गूंथ के मैंने रख दिया है, और उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दूंगी। सो मीन वाइल जो बाकी का डस्टिंग वगैरह है, घर की जो हालत है वो थोड़ी सी सुधार लेते हैं। अभी मेरा भाई आया हुआ है ना, तो रात भर हम लोग जितना भी टाइम हम जगते हैं 11 साढ़े 11 बजे तक, कोई मूवी लगा लेते हैं या फिर इधर उधर का बात उठ जाता है, सो वो सब करने लगते हैं। तो रात में आजकल मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ, और ये देखिए बिल्कुल भी सोफ़ा वगैरह मैं ठीक नहीं करती हूँ, क्योंकि बात करते करते ही अचानक से 11:30-12 बज जाता है। फिर सोचते चलो चलो जल्दी सो जाओ, क्योंकि सुबह भी उठना है। सो रात को मैं अभी कुछ भी ठीक वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। एनी हाउ घर पर कोई आता है तो थोड़ा हम इन्जॉय तो करते ही हैं। सो अभी मैं सब कुछ यहाँ पे ठीक करूँगी झाड़ू पोछा लगाने से पहले। सो मेरी आदत है कि जब भी मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, उससे पहले मैं सारा जो फ्लोर में सामान होता है वो उठा के सब ऊपर रख देती हूँ, चाहे वो कॉफी टेबल हो, कारपेट हो, जो भी हो, ताकि मैं अच्छे से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस झाड़ू पोछा लगा पाऊँ। तो यही मेरी आदत है। तो सारा चेयर वगैरह, बेबी चेयर वगैरह, कॉफी टेबल, कारपेट, सब कुछ मैं उठा के ऊपर रख दूंगी, ताकि अच्छे से विदाउट एनी हर्डल मैं झाड़ू पोछा लगा पाऊँ। उसके बाद फिर इसे नीचे सेट कर दूंगी, और मैं सारे पावदान वगैरह भी झाड़ के ऊपर रख देती हूँ, ताकि सारा जो कचड़ा है वो एक बार में निकल जाए घर से। एंड ये देखिए डाइनिंग टेबल की हालत। डाइनिंग टेबल आप सुबह जितना भी मर्जी क्लीन कर लो, बस शाम होते होते उसमें सामान जो है इकट्ठा हो ही जाता है। सो मीन वाइल यहाँ पे मसाला हो गया है, तो यहाँ पे मैंने मूंग भी डाल दिया है, मूंग दाल, जो कि मैंने रात में भिगो के रखा था। सो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है, मूंग दाल का तड़का हाई प्रोटीन एंड टेस्टी तो होता ही होता है। सो यहाँ पे मैंने रितविन के बैग लगा दिए हैं, प्रिंस का भी बैग वहाँ पे रखा हुआ है, उनका ऑफिस बैग, और मैंने अपने भी बैग यहाँ पे अपना सारा बैग में जो भी सामान होता है वो डाल के सोफा पे रख दिया है। सो दीज आर रेडी टू कैरी है। मीनवाइल मैंने डाइनिंग टेबल का सारा सामान हटा दिया है, और ये जो चश्मा आप देख रहे हो ना, गॉगल्स, ये आजकल रितविन को बड़ा क्रेज चढ़ा हुआ है ये गॉगल्स का, और बहुत ज़्यादा वो खेलता है घर पे, सो इधर उधर पड़ा रहता है ये। एंड मैंने ड्रॉर वगैरह भी अच्छे से थोड़ा बहुत अरेंज कर दिया है, क्योंकि दिन भर में सामान इधर उधर निकलता रहता है, तो थोड़ी बहुत खराब हो ही जाती है, सामान जो है इधर उधर हो जाता है। सो ये देखिए मूंग दाल मैंने शिफ्ट कर दिया है बीच में, और वो अपना होगा। मीनवाइल मैं रोटी बना लूँगी। तो मेरा सारा डस्टिंग वगैरह तो अभी नहीं हुआ है, सारे सामान मैंने उठा के अपनी जगह पे रख दिए हैं। अब मैं झाड़ू पोछा डस्टिंग एक साथ करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद ना फिर किचन में आने का मन नहीं करता है, मन करता है सीधे नहा लूँ। सो यस, यहाँ पे मैं सारी रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे कि मैंने बताया, पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। जितना जिसको खाना होता है उसी हिसाब से मैं रोटी बनाती हूँ, गिन के बनाती हूँ, और दो एक्स्ट्रा बनाती हूँ, ताकि किसी को खाने का मन करे एक्स्ट्रा तो वो खा ले, अदरवाइज हम पक्षी वगैरह के लिए भी बाहर बालकनी में रख देते हैं। सारा काम हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रही हूँ एंड गर्म पानी वगैरह पीऊंगी। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश होने वाली है, सो डस्टिंग वगैरह करने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पी के झाड़ू पोछा करके मैं नहा लूंगी। रितविन और प्रिंस भी उठ गए हैं, उसके बाद हम तीनों अपने अपने काम पे चले जाएंगे। रितविन चला जाएगा स्कूल, मैं भी चली जाऊंगी स्कूल, एंड प्रिंस जाएंगे ऑफिस। सो यही हमारा सुबह का जो मेन होता है यही होता है। एंड ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शाम के 4:45 और हमारा अचानक से प्लान बन गया है बाहर जाने का। सो ये है रित्विन, हाय, और पीछे आयुष भी है, आयुष, एंड ये रहे प्रिंस। सो चलिए आपको भी लेके चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सब प्लेस है वाइजैक में, वहीं जा रहे हैं। And you can see the view. बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही डिवाइन प्लेस है, और ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं शिव पार्वती की ना, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, कामिंग लगती है। ओके गाइस, सो यहाँ का जो मेन स्पॉट है ये शिव और पार्वती जी का जो ये बड़ा सा प्रतिमा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप वाइजैक आते हैं तो ये वाला लोकेशन जरूर विजिट करिएगा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है ये। बोलो। विक्रम बेताल लग रहे हो, विक्रम बेताल कैसा लग रहा है तुमको? दिन दिन में आना, मतलब जैसे 3-4 बजे और रात तक रहना, ताकि आप रात का व्यू देख पाओ। दिन का भी व्यू अच्छा है और रात का व्यू आप देख सकते हो, पूरा सिटी दिखता है, एंड बहुत ही कामिंग एंड बहुत ही सूदिंग सुकून वाला सीन लगता है। सो हम लास्ट वेडनेसडे भी यहाँ पे आए थे और आज भी आए हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है हमें। हम रिटर्न हो रहे हैं और यहाँ का जो टाइमिंग है वो 7:30 लास्ट है। समुद्र है जो कि आपको दिखेगा नहीं, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे ओपन टाइप का रेस्टोरेंट है, ड्राइव इन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे मैच भी चल रहा है।
सो देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा वैसे काफी सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है, सो पहले ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बज रहे हैं रात के 11 एंड मैं ना सुबह आज हेयर वॉश करना भूल गई थी। कल थर्सडे है तो वेंसडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ क्योंकि नॉनवेज वगैरह खाया था मैंने और सुबह हड़बड़ी में भूल गई थी एंड अभी मुझे याद आया हेयर वॉश करना है तो अभी रात के 11 बजे मैंने किया है हेयर वॉश और ऑलरेडी मैंने मेरे गले में बहुत ज्यादा खराश है, ऊपर से आज मैंने दो आइसक्रीम भी खा ली है। सो लेट्स सी सुबह तक कंडीशन कैसा रहता है, आई होप कुछ होगा नहीं। सो यस, ये व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग गाइस, टिल देन बाय, लव यू ऑल।